आज सरकारी गाड़ी में बैठ के आ गए भाई। बनाती जा रहा है वही सोच लो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एडवेंचर ब्लॉग निर्मल। तो आज हम लोग ट्रेनिंग का सेकंड डे है। तो आज हम लोग माइंस का पूरा जो चार सेक्शन है ना, पूरा एरिया को आज कवर करेंगे। तो आज मेरे ब्लॉग में बहुत ही एडवेंचर अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो में लगातार बने रहे, इसकी मत कीजिएगा भाई। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो माइंस के चारों सेक्शन जाने के लिए हम लोगों को कंपनी के थ्रू एक ब्लोरो प्रोवाइड किया गया है, जो कि आज जाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। आज पूरा एक्साइटेड यार। तो चलिए ब्लोरो में बैठते हैं। ए गाड़ी स्टार्ट कर। देख सकते हैं ये ड्रैग लाइन है, जो कि बहुत कम माइंस में इसे रखा जाता है। ये रहा ड्रैग लाइन मशीन, और हम लोगों की खदान के नीचे है, देख सकते हैं। अभी जिस रहा है धुआं उठ रहा है वो सरफेस है। इस सरफेस से हम लोग फोगेल डंपर को मैंने से वो सबसे 100 फीट हम लोग फोगेल डंपर से वो ओबी को उठा करके ओबी का हमें फेंके हैं। फेंकते 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 ये आ गया है जो कोयले से हम लोग 30 मीटर ऊपर को रहते हैं। तो हम लोग 30 मीटर एक 60 मीटर बाई 60 मीटर, इसको बोलते हैं ड्रैग लाइन मैच। तो 60 मीटर बाई 60 मीटर, 60 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा है, वो मैच निकालते हैं और उसमें हम लोग होल कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो जाने के बाद उसको फिर लेवल करते हैं। ब्लास्टिंग हो गया उसको लेवल करते हैं, लेवल करके उसको ऊपर ड्रैग लाइन में हम लोग बैठे जो आप लोग देख रहे हैं ये कोयला का 24 मीटर का कोयला है, ठीक है। 24 मीटर कोयला है, ये हाइड्रोलिक सोवेल है, इसका नाम है टाटा सोवेल, टाटा हिताची सोवेल। इसका कैपेसिटी है 5 क्यूबिक मीटर। ये जो कोयल गाड़ी है, ये गाड़ी धुआं करके रखी है और जल्दी जल्दी हो जाएगा। स्पॉटिंग करके रखा है, गाड़ी स्पॉटिंग करके नहीं रखा है, धुआं कर रखेगा ये तुरंत निकल जाएगा, तुरंत रख करके लग जाएगा। जनरल मैनेजर आएगा तो बोलेगा टाइट स्पॉटिंग करके नहीं रखा है, लेट कर रहे हैं। भाई लोग, हम लोग आज ड्रैग लाइन भी देख लिए हैं, बट स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। आज पूरा भी नहीं, हाँ यार, ड्रैग लाइन चलाने वाले हैं, ऑपरेटर जी हम ही हैं, मिलिए ऑपरेटर से। हम लोग का गाड़ी भी दिखा दो, देखिए 80 मीटर चल रहा है, नीचे पत्थर लग जा रहा है। इसको हम लोग 3.5 मीटर चौड़ाई, 4.5 मीटर हाइट लेकर के 300 मीटर अंदर हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। और बीच में हम लोग 10-10 मीटर का वही पिलर छोड़ के जाते हैं। तो इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, ओ बी से भर देंगे, ये जो प्लेटफॉर्म हो गया प्लेटफॉर्म के साथ भर जाएगा। भर करके रिसेप्शन रूम मशीन है, मशीन के सामने कटर हेड है, जो हमारे अंतिम मॉडल में दिखाए थे, पीछे कॉन्वेयर चेन है, जो रील टाइप का है वो अंदर घुस जाता है, और क्रेन है, क्रेन से वो जो कुछ बीम है उस बीम को लेकर के
कोयला जो पीछे गिरा हुआ है वो कोयला को पेलोडर है, पेलोडर से ऐसा करके ले करके ट्रक में लोड करेगा, ट्रक इधर से रास्ता से ले करके अपना कोयला डंप चल जाएगा। उसका नीचे हम लोग का सांप है, सांप मतलब लोग जहाँ पंपिंग होता है, सौ माइंस का टोटल पानी नीचे चला जाता है, नीचे पंपिंग करके हम लोगों को पानी देता है, पानी को लोग फिल्टर करके ये मशीन में देता है, ये मशीन में देने के बाद मशीन कटिंग करता है, उसको तो डस्ट होता है, जाता है आज सरकारी गाड़ी में बैठ के आ गए भाई। आज सबसे नीचे है भाई। बनाती जा रहा है। वही सोच लो। यहाँ से विकास का घर दिख जाएगा। देखो देखो कितना पड़ेगा अल्ट्रा S24।